हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे एमरेलस लिली का कितना बढ़िया फ्लावर निकला है और कितना सुंदर भी लग रहा है। इसका कलर देखिए। तो दोस्तों, इसको इसकी जो बल्ब्स हैं उसको किस तरह से लगाना है और इसको मिट्टी कौन सी चाहिए, तो वो मैंने अपनी वीडियो में शेयर की है। और जिस किसी को भी वो वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अपना लिंक वीडियो का ज़रूर शेयर कर दूँगी। और दोस्तों, ये देखिए, ये अभी खिल चुका है और ये अभी खिल चुके हैं दोनों, ये खिलना अभी बाकी है। तो दोस्तों, इसको कौन सी मैंने खाद दी है, कौन सी लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, वो मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है। तो दोस्तों, ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये इसमें ये देखिए ये बल्ब होते हैं और ये बल्ब कई तरह के होते हैं, कई कलर्स में आते हैं। जिस तरह से ये कलर है, इसमें रेड कलर भी आता है, मतलब येलो कलर भी आता है, बहुत से कलर आते हैं। तो दोस्तों, अब ये देखिए, ये मेरा इसमें जो है फ्लावर खिल चुका है। अब मुझे इसे नीचे से यहाँ से कट कर देना है, क्योंकि अगर ये शीट्स बनाना शुरू कर देगा यहाँ से, ये देखिए, तो सारी एनर्जी जो है ये अपने शीट्स बनाने में लगा देगा और यहाँ से दूसरी स्टिक निकलने में इसको दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, हमने ये स्टिक कट कर दी है। तो दोस्तों, इसी तरह से जो है पुराने फ्लावर अगर स्पेंड हो जाते हैं तो उसे आप हटा दीजिए तुरंत ही। और ये देखिए, इसमें अभी ये वाली भी निकल रही है स्टिक, न्यू वाली, और ये देखिए ये वाली स्टिक भी निकल रही है। तो दोस्तों, मेरे जो चार पांच बल्ब इसमें मैच्योर थे वो मैंने लगाए हैं, और इसमें छोटे 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 बल्ब तैयार होते रहते हैं। तो जो मेरे पास मैच्योर बल्ब थे वो मैंने लगाए थे पूरा निकाल के। तो आप देखिएगा, कुछ महीनों बाद जो है इसमें छोटे छोटे बल्ब्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैच्योर बल्ब्स ही जो है इसके फूल देते हैं, और जो बल्ब मैच्योर नहीं है तो वो फूल देने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। और प्लांट्स चाहे जो कोई भी हो, चाहे जैसा भी प्लांट हो, तो आप जो है उसके फ्लावर्स अगर सूख जाते हैं तो तुरंत ही पिंच करके हटा दीजिए और इसे फुल धूप में रखिए। फुल धूप में मतलब 35 डिग्री तक जो धूप है ये बर्दाश्त कर लेगा। उसके बाद तो कोई भी मतलब प्लांट्स हो, जो हार्डी प्लांट्स होते हैं तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उस तरह के प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ 35 डिग्री से तापमान ही जो है बर्दाश्त कर पाते हैं, तो उनकी अगर हम उसे फुल धूप में रख देंगे तो इसके फ्लावर्स जो है पूरे जलने शुरू हो जाएंगे, और शाम तक में तो ये बिल्कुल एकदम कुरमुरे से अजीब से हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी को अपने अपने प्लांट्स की देखभाल करनी है इस गर्मी के मौसम में। तो देखिए, मुझे एमरेलस लिली पर वीडियो शेयर करनी थी और आपसे मैंने शेयर किया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।